था, मतलब वॉरियर एक मिशन है जिसमें वो ऑन फ्लाइट कमांडो बने हैं और वो मिशन को कैसे एकम्प्लिश करते हैं वो ये मूवी में दिखाया गया है। सबसे पहले सागर आमरे और पुष्कर ओझा का डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। उसके साथ जितने भी एक्शन सीन्स हैं बहुत अच्छे से फिल्माए गए हैं। स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, मिस्ट्री जैसे जैसे अनरेवल होती है आपको मज़ा आएगा और इट विल बी वेरी एंगेजिंग, वेरी ग्रिपिंग एंड यू विल लूज ट्रैक ऑफ टाइम। एडिटिंग बिल्कुल शार्प है शिव कुमार पैनिकर की, 2.25 घंटे की मूवी है, कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है जिष्णु भट्टाचार्य जी की, जो भी ऑन फ्लाइट सीन्स है वो फ्लाइट में टर्बुलेंस वगैरह बहुत अच्छे से फिल्माया गया है हर एंगल से। और बहुत सारे म्यूज़िक कंपोजर्स हैं जैसे आदित्य देव, विशाल मिश्रा और तनिष बागची, तो गाने बहुत अच्छे हैं। एक तिरंगा गाना है और भी किस्मत बदलती देखिए, ऐसे 2-3 गाने बहुत अच्छे हैं। स्टोरी बहुत अच्छी है और सिद्धार्थ मल्होत्रा आई थिंक ही इज़ वेरी गुड। दिशा पटानी का एक रोल है, थोड़े ग्रे शेड्स है उसमें, आई डोंट वॉन्ट टू रिवील द स्टोरी, उनका भी रोल बहुत अच्छा है। और राशि खन्ना आई थिंक शी इज़ ऑल्सो क्वाइट इफेक्टिव इन हर रोल, शी इज़ अ फाइन एक्ट्रेस। सो आई थिंक मूवी डेफिनेटली चलनी चाहिए वर्ड ऑफ माउथ और क्रिटिक्स रिव्यू से कि हम लोग बॉलीवुड को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मूवी को भी सपोर्ट कीजिए, छोटे बजट की मूवीज़ को भी सपोर्ट कीजिए। अगर आप पठान, जवान या गदर 2 जैसी मूवीज़ को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो जिस तरह साउथ इंडियन सिनेमा और हॉलीवुड को हम लोग अपलॉट करते हैं, तो ये सिनेमा को भी अपलॉट कीजिए। और सिद्धार्थ मल्होत्रा को डेफिनेटली यू नो ही डिजर्व्स एक्युलेट्स फॉर हिज रोल। आई विल गो 4 स्टार्स, देयर वर ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट मुझे मूवी बहुत पसंद आई।